हेलो दोस्तों दोस्तों आपका ट्रैवल इन्फोरेंट एडिशन के नए अध्याय में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम दिल्ली से श्रीनगर और श्रीनगर से जम्मू तक जो नए हाईवेज बन रहे हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। दोस्तों बता दें कि केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमंत्री श्री नितिन गडकरी ने दिल्ली और श्रीनगर के बीच कार द्वारा यात्रा के समय को दिसंबर 2023 तक 24 घंटे से घटाकर केवल 8 घंटे करने का वादा किया है। इसके लिए उन्होंने डेडलाइन भी तय कर दी है। अब दोस्तों दिसंबर 2023 तक जम्मू और श्रीनगर के बीच यात्रा को महज 4 घंटे में पूरी करने का दावा भी किया जा रहा है। दोस्तों गडकरी ने इसके लिए जानकारी देते हुए यह भी बताया कि इसके लिए काफ़ी तेज गति से काम चल रहा है और इस परियोजनाओं में आधारशिला रखने के बाद लगभग 260 किलोमीटर की कुल लंबाई और 11,721 करोड़ की बजट के साथ केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में 5 नए राजमार्गों की घोषणा कराई गई थी और उसके बाद एक जनसभा को संबोधित करते हुए इसमें यह कहा गया था कि जम्मू से श्रीनगर तक 4 लेन के राष्ट्रीय राजमार्ग NH44 का निर्माण अगले 24 माह में पूरा हो जाएगा और इसकी डेडलाइन खत्म होने जा रही है और यह लगभग पूरे होने के कगार पे भी है। दोस्तों इसमें यह भी कहा गया कि श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग NH44 दो साल के भीतर पूरा कर लिया जाएगा और इसमें समय घटाकर 4 घंटे कर लिया जाएगा और अब वह दिन दूर नहीं जब कम समय में लोग दिल्ली से श्रीनगर तक पहुंच पाएंगे। दोस्तों 24 जून 2021 को 2 साल में जम्मू कश्मीर के राजनेताओं के साथ अपनी पहली मुलाकात में केंद्र मंत्री और प्रधानमंत्री ने इस पर घोषणा की थी और इस पर कार्य इसके ऊपर शुरू किया गया था और अब यह अमली जामा पहनते हुए इन चीज़ों को देखा भी जा सकता है। दोस्तों दिल्ली कटरा एक्सप्रेस हाईवे के पूरा होने के बाद दिल्ली अमृतसर सहित प्रमुख शहरों के बीच यात्रा का समय 4 घंटे और दिल्ली कटरा 6 घंटे और दिल्ली श्रीनगर 8 घंटे का होगा और इसको करने के बाद आगे लगभग 1350 किलोमीटर लंबे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का भी काम ये भी लगभग पूरा होने के कगार पर आ चुका है, जो कि इनमें कुछ जगह इन सड़कों को इनके साथ कनेक्शन भी मिलेगा। दोस्तों इसके साथ ही साथ यह जो सफ़र है 24 घंटे का घटकर लगभग 12 घंटे का रह जाएगा और इसमें लगभग 90,000 करोड़ की लागत इसमें बताई जा रही है और इसके साथ साथ दिल्ली चंडीगढ़, दिल्ली देहरादून, दिल्ली हरिद्वार और दिल्ली जयपुर रोड यात्रा भी सिर्फ 2 घंटे में पूरी की जाएगी। दोस्तों बता दें कि जम्मू और श्रीनगर के बीच 4 लेन के राजमार्ग के संबंध में कहा गया कि पिछले 2 पैकेजों पर काम तेजी गति से चल रहा है, जबकि 95 किलोमीटर लंबे जम्मू उधमपुर नासरी खंड जिसमें 10 किलोमीटर लंबी सुरंग भी शामिल है उस पर लगभग 85% का काम पूरा किया जा चुका है और नासरी बनिहाल के बीच लगभग 60 किलोमीटर का जो खंड है वह दिसंबर 2023 तक पूरा कर लेने की सरकार की योजना है। इसके साथ ही साथ दोस्तों औद्योगिक और सामाजिक आर्थिक प्रगति के साथ साथ रक्षा बलों की तेज गति से आवाजाही के लिए रणनीतिक रूप से यह बहुत महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ जम्मू और कश्मीर के बीच हर मौसम में संपर्क प्रदान करने वाला यह सड़क आम जनता के लिए भी काफ़ी रोजगार और नए अवसर प्रदान करेगा। इसके साथ ही साथ दोस्तों यह बता दें कि जम्मू कश्मीर में लगभग 1,00,000 करोड़ रुपए की सड़क संचार परियोजना और 1350 किलोमीटर लंबी 8 लेन वाली दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर कुल खर्च
के बराबर इसमें केंद्र शासित प्रदेश में लगभग 50 करोड़ रुपए की लागत से बन रही सुरंगों पर काम बहुत तेज गति से चल रहा है और इसे समय से पहले पूरा करने की सरकार की योजना है। इसके साथ ही साथ दोस्तों, इन कई घोषणाओं के साथ साथ जिसमें कुपवाड़ा और तंगधार LOC के पास इसमें साधना टॉप के नीचे एक सुरंग और एक सड़क शामिल है जिसमें बर्फ और उसके रजौरी के लिहाज से कश्मीर के शोपिया के पास पीर की गली तक एक सुरंग शामिल है जो पूरे होने के बाद इसमें लगभग 2400 घंटे यह खुला रह सकेगा और आम जनता को इससे काफ़ी राहत भी मिलेगा। इसके साथ ही साथ दोस्तों, यह भी बता दें कि इसके बन जाने से तो आम जनता को राहत मिलेगी, साथ में जम्मू श्रीनगर हाईवे पर चल रहे काम के पूरा होने के बाद यात्रा का समय घटकर सिर्फ 3 घंटे रह जाएगा। और रामबन जिले के बनिहाल कस्बे में यह भी कहा गया कि रामबन और बनिहाल के बीच 45 किलोमीटर के दायरे में सुरंग बनेगी तो इससे रास्ता सीधा जुड़ा होगा और इसमें समय काफ़ी घट जाएगा। इसमें यह भी बताया गया दोस्तों कि सभी सुरंगें पूरी हो जाने के बाद श्रीनगर जम्मू राजमार्ग पर यात्रा का समय घटकर 3 घंटे तो हो ही जाएगा, साथ में इसके बनने के बाद जम्मू कश्मीर में पर्यटकों की संख्या 4 गुना बढ़ जाएगी और सैलानियों के बढ़ने से इस क्षेत्र में एक अलग लोगों को रोजगार में सहायता मिलेगी और आम जनता में खुशी की लहर दौड़ पड़ेगी। आशा है दोस्तों आपको हमारी जानकारी पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।